साथियों नमस्कार, मैं हूं कालू माली। आप जुड़े हो मेरे चैनल से। अभी यहां रेलवे स्टेशन पर हेड कांस्टेबल बाबूलाल बिश्नोई के नेतृत्व में अभी एक युवक को फालतू घूमने पर क्वारंटाइन किया है 14 दिन के लिए, जो एम्बुलेंस में बाबूलाल हेड कांस्टेबल बिठाया है। तो अपन बाबूलाल जी से बात करेंगे। अभी इन्होंने इस युवक को बिठाया। बाबूलाल जी, क्या मामला था इसको? बिठा ये हमारा घूमते हैं बिना, मतलब लॉकडाउन गाइड की पालन नहीं करता ये, इसीलिए अभियान चल रहा है। तो ये बिना मतलब घूमते इनको क्वारंटाइन सेंटर ले जाया जा रहा है। तो अभी इसको कहाँ लेके ऐसे के, और भी पकड़े आपने? हाँ, पहले भी लगे वो कोतवाली थाना, पहले पूर्व जमा करा चुकी है। हाँ। और आज ये अभियान है, हमेशा ये अभियान है। जब तक ये आवारा नहीं घूमे तब तक ये पकड़े जाएंगे। ठीक है, ये बाबूलाल जी हेड कांस्टेबल है। और इसे देखो, पुलिस ने अभी 14 दिन के लिए किया है क्वारंटाइन। ये अब एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं इसको क्वारंटाइन, वहाँ सेंटर ले जा रहे हैं। ये आवारा घूम रहे थे, इस आवारा घूमने पर पुलिस ने इसे यहाँ रेलवे स्टेशन पे ही गिरफ्तार किया और इसे अब 14 दिन के लिए क्वारंटाइन सेंटर ले जा रहे हैं एम्बुलेंस में बैठा के। पुलिस साथ, पीछे पुलिस बैठी है, आगे पुलिस के हेड कांस्टेबल बैठे हैं। और भी यहाँ पुलिस गश्त कर रही है और फालतू घूमने वालों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करे। और यहाँ आने जाने वालों पर पूछताछ भी हो रही है। देखो, इनसे पूछताछ कर रही है पुलिस। एकदम सुनसान सा माहौल है। ये रेलवे स्टेशन का नज़ारा है, यहाँ पुलिस तैनात है। ये बाड़मेर की मुख्य बाजार है साथियों। तो धन्यवाद साथियों, जुड़े रहिए चैनल से, मिलती रहेगी आपको पल पल की अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार साथियों शेयर कर लो फटाफट इस पोस्ट को। और भी आवारा घूमने वालों को पुलिस तत्काल पकड़ के 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करेगी। तो मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ, फालतू का शहर में ना घूमें। लॉकडाउन है, 10 तारीख के बाद 14 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है। तो फालतू के शहर में ना घूमें। पुलिस यहाँ रेलवे स्टेशन पर, सिंहद्री सर्किल पर, चौटन सर्किल पर, जहाँ पुलिस के पॉइंट है वहाँ पर पुलिस तैनात है। आने जाने वाले हर व्यक्ति से पूछताछ हो रही है। बिना मास्क वालों के खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। और फालतू घूमने वालों को 14 दिन के लिए पुलिस क्वारंटाइन कर रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।